क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी वीडियो पार्ट टू हमने जो है फर्स्ट वीडियो पार्ट फर्स्ट जो है वो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जो है आप देख सकते हैं, जाके चैनल पे है या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये सेकंड पार्ट है, उसमें हमने क्या किया था 17-18% जो है डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको पैटर्न समझाऊंगा और उसके बाद इस वीडियो में फ्री PDF भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। लास्ट में पासवर्ड बताऊंगा और कुछ ज़रूरी बातें भी बताऊंगा। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, अभी जाकर डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन जो लास्ट तक देखेगा उसको कुछ ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ज़रूरी बातें जो हैं वो सुन के जाना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर जो है आपको पता है पेपर अब की बार पैटर्न बदल रखा है इन्होंने, घुमा फिरा के भी दे देते हैं, पॉलिटिकल साइंस वालों की दे दिया था, तो इसलिए ज़रूरी बातें ज़रूर सुन के जाना। तो देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 से हम आगे चलते हैं। अब इससे पहले हमने जो है 17 तक शायद पहली वीडियो में देख लिया था। तो देखो, जनसंख्या विस्फोट को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर 1951 से 1981 तक भारत में जनसंख्या के तीव्र विकास के मुख्य कारणों को स्पष्ट कीजिए। अब देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहीं पर आपके पेपर में आ सकता है, जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए, जनसंख्या वृद्धि भारत में, इसका एक ऊपर लेख लिखिए, तो इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं जनसंख्या। मैंने उस वीडियो में बोला था जोर जोर से चिल्ला के कि जनसंख्या का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी देख सकते हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखो, ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन करें। अब यहाँ पर ग्रामीण बस्ती है, आपके पेपर में शहरी बस्ती भी आ सकता है, और जो बस्तियाँ हैं आपके सारे सिलेबस में उनके बारे में पढ़ लेना, उनके अंतर वगैरह स्पष्ट करने भी आ सकते हैं। इसके बाद भारत में जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन का वर्णन करें, यानी कि यहाँ पर संसाधन का प्रश्न है, जल संसाधन, तो ऐसे ही आ सकता है कि भाई यहाँ पर जो है आपके और जो संसाधन हैं उनके बारे में भी आ सकता है प्रश्न, तो ये संसाधन वाला जो टॉपिक है इसको ज़रूर कर लेना। भारतमाला परियोजना से आप क्या समझते हैं, तो आपके सिलेबस में जितनी भी परियोजना है, जैसे एक प्रश्न और आ रहा था हमने पहले डिस्कस किया जब अटल सुरंग, तो ऐसे ही अब आ गया भारत माला परियोजना, ऐसे और जितनी भी परियोजना हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे आप देखिए भारत के विदेश व्यापार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो विदेश व्यापार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैंने तुम्हें बता दिया था, उसके प्रश्न ज़रूर आने वाले हैं, समझ गए। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत का वर्णन कीजिए, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत, अब ऐसे ही पेपर में आ सकता है, वायु प्रदूषण के कारक, वायु प्रदूषण के प्रभाव, तो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक प्रश्न ज़रूर आएगा। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है हमारी PDF, वो पेपर आप आगे डिस्कस कर लेना, उसमें अब ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब PDF की बात कर लेते हैं, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं भाई। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं हमने हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए भी ये दिखाऊंगा। तो देखो ये जो टॉपिक्स हैं इन्हीं से जो है पूरा का पूरा पेपर बनेगा, तुम देख सकते हो, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि, मानव विकास के स्तंभ, परिवहन, सड़क जल पाइपलाइन, देख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बंदरगाह से संबंधित प्रश्न, सारा का सारा लिख दिया इसमें कि भाई कहाँ कहाँ से प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। ये हो गया हिंदी मीडियम वालों के लिए। इसके बाद ये है इंग्लिश मीडियम के लिए, इंग्लिश के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई प्लीज़ इंग्लिश का भी बना देना, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने इसमें इंग्लिश के दे दिए हैं। इसके बाद इंग्लिश के टॉपिक्स आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलें, आगे आ जाते हैं प्रश्न हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश वाले चाहें तो इनको जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मानव विकास सूचकांक क्या है स्पष्ट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में लो एस के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें, इंपॉर्टेंट, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, अब तुम्हें दे ही दूंगा मैं ये PDF, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देख सकते हो सारे के सारे जो प्रश्न है, और ज़्यादा भी नहीं है, ऊपर 20 तो टॉपिक थे और नीचे ये 20-25 क्वेश्चन है सिर्फ, पूरी किताब से सिर्फ ये तैयार कर लो पेपर फोड़ के आओगे, गारंटी है, समझ गए। क्वेश्चन घुमा फिरा के जरूर आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखना क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, तो आपको जो है परेशान नहीं होना है। देखो जैसे कि मैंने इस PDF में प्रश्न दे दिया, मान लो कि भाई सड़क परिवहन का महत्व स्पष्ट करें, तो पेपर में आ सकता है भारत के आर्थिक विकास में सड़क का महत्व स्पष्ट करें, तो ये भारत जोड़ दिया, आर्थिक विकास जोड़ दिया, इससे घबराना नहीं है, वो मेनली क्या पूछ रहे हैं, सड़क परिवहन के बारे में पूछ रहे हैं, समझ गए। तो मेन टॉपिक यही रहेंगे, क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे तो लिख देना, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खाली मत छोड़ना, सारा का सारा यही आएगा, समझ गए। इसके बाद हम आगे बात करें, मानचित्र का भी मैंने बता दिया, अभी मानचित्र कहाँ कहाँ से आ सकते हैं ये देख सकते हो तुम लोग, तो ये मानचित्र का भी देख लेना। तो ओवरऑल जो है ये PDF है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी, इसमें जो जो चीज़ें हैं उनको पढ़ लो, टॉपिक क्लियर कर लो और ये क्वेश्चन तैयार कर लो, पेपर तुम्हारा एक नंबर का होगा ज्योग्राफी का, समझ गए। ये इंग्लिश वालों के लिए देख सकते हो और ये हिंदी वालों के लिए हैं ही। अब इसके जो PDF है इसके पासवर्ड की बात कर लेते हैं,
तो ये PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस PDF को डाउनलोड कर लेना। और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, ये मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि स्टेप मार्किंग हो रही है और यहाँ पर जो है आपको जितना लिखोगे उतने के नंबर मिल जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस में क्या हुआ था मैं बता देता हूँ, उनके क्वेश्चंस जो है वो थोड़े घुमा फिरा के आ गए थे, टॉपिक वही थे, क्वेश्चन घुमा फिरा के आ गए थे और वो घबरा गए। तुम्हें घबराना नहीं है, समझ गए, तुम सारा का सारा कर देना। तो ये जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, इसका पासवर्ड है 34। क्या है पासवर्ड? 34। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।